अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफसल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 की एग्जांपल प्रॉब्लम्स। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा, जल्दी से इस चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना है ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। तो बच्चों, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स ही क्यों, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्यों नहीं पहले शुरू करवाए मैंने? बच्चों, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बहुत अहम है। अगर हमें एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करनी आ गई तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करना हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और आप जानते हैं कि एग्जाम्स के अंदर, 9th 10th ग्रेड के अंदर या FSE के अंदर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मस्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आना है। और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो एक्सरसाइज से भी हो सकता है और ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो मैंने ये चाहा, इवन कि ये सॉल्व आपकी टेक्स्ट बुक पे है, लेकिन फिर भी इनके कॉन्सेप्ट समझाने आपको जरूर मैंने चाहा समझाऊं आपको डिटेल से आने चाहिए। तो बच्चों, हम शुरू करेंगे पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम से, दैट इज 2.1। ये रही आपकी स्क्रीन के सामने पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम। से कहता है कि रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मतलब है इसका कि एक फोर्स है 80 न्यूटन की जो नॉर्थ ऑफ ईस्ट एक्ट कर रही है, नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान लग रही है, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ, उसकी तस्वीरी शक्ल दिखाओ, उसको ग्राफ पेपर पे दिखाओ। तो बच्चों, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया जाएगा 4 स्टेप के अंदर। आइए देखते हैं गिवन डेटा क्या है, हमें दिया क्या गया है। गिवन डेटा में बच्चों सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिया है, फोर्स कितनी है 80 न्यूटन, और दूसरी चीज डायरेक्शन दी है। डायरेक्शन क्या है बच्चों, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब मैं समझाता हूं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ होते क्या है वो भी समझाता हूं बच्चों। आप देखिए, ईस्ट जिस तरफ से सनराइज करता है, वेस्ट जहां पे जाके ग़रूब होता है, एक नॉर्थ है शमाल और साउथ है जनूब, इसी तरह से है। अगर उन्हें ड्रॉ करना हो तो उसका तरीका कार क्या है, क्योंकि नॉर्थ ऑफ ईस्ट फोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो मेरे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होने चाहिए, फिर ही मैं ड्रॉ कर पाऊंगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट डायरेक्शन पे 80 न्यूटन फोर्स का 80 न्यूटन फोर्स हमें शो करनी है। आइए कैसे शो करते हैं। सबसे पहला स्टेप होगा कि दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचेंगे हम। सबसे पहले स्टेप में बच्चों दो परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी है। दो परपेंडिकुलर लाइंस कैसी, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पास वो क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, मैथ के अंदर। इसी तरह से हमें दो लाइंस खींचनी है, एक हॉरिजेंटल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब ये जो है बच्चों, ये साइड ईस्ट कहलाती है, ये वेस्ट, ऊपर वाली साइड नॉर्थ और ये साउथ। ऊपर से मुराद बच्चों ये साउथ इस तरफ है, नॉर्थ साउथ। अब ऊपर नीचे शो करवा सकता हूं, इस तरह तो शो करवा नहीं सकता, इस तरह से ले डाउन। मेरे पास 2 डायमेंशनल ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें मैं नॉर्थ उस तरफ और साउथ इस तरफ ड्रॉ ही नहीं कर सकता। साउथ बाहर की तरफ आ रहा होगा तो मैं आपको लग रहा होगा जैसे नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे है। हमें 80 न्यूटन फोर्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट में शो करवानी। तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब पहले समझ लें, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि फोर्स किस तरफ से किस तरफ है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ है। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है ईस्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है। अब ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की थी, जिस जगह पे लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी वो हो गया ओरिजिन, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बन गया ओरिजिन। अब बच्चों हमें क्या करना है, 80 न्यूटन फोर्स को शो करवाना है यहां पे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर, ना इधर ना इधर ना इधर, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इधर मिड में, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ फोर्स है यहां दरमियान। अब 80 न्यूटन फोर्स, भाई हमारे पास जो ग्राफ पेपर होता है उसमें तो रीडिंग्स सेंटीमीटर्स मिलीमीटर्स में होती हैं या बॉक्सेस बने होते हैं, तो मैं फोर्स न्यूटन को किस तरह से यहां शो करवाऊं। तो यहां पे मुझे क्या करनी पड़ेगी, यहां पे मुझे स्केल सिलेक्ट करना पड़ेगा, खुद से अपनी चॉइस के मुताबिक एक स्केल सिलेक्ट करना पड़ेगा।
सबसे पहला स्टेप तो हो गया, मैंने क्या किया, टूल रेफरेंस लाइंस ड्रॉ की। कैसी लाइंस ड्रॉ की? परपेंडिकुलर, एक एक्स एक्सिस बन गया, दूसरा वाई एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक वर्टिकल एक्सिस। इसको एक्स एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, इसे वाई एक्सिस भी कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब दूसरा स्टेप क्या है कि मैं क्या करूंगा, स्केल सिलेक्ट करूंगा। स्केल कैसे सिलेक्ट करूंगा? 80 न्यूटन फोर्स है, पता नहीं 80 न्यूटन कितनी लेंथ होती है, पता नहीं 80 न्यूटन कितना होता है, तो मैं खुद से सिलेक्ट करूंगा। क्या कहूंगा कि फर्ज कीजिए 20 न्यूटन एक सेंटीमीटर के बराबर। अगर आपके पास स्केल है बच्चों तो देखिए, ये एक सेंटीमीटर स्केल के ऊपर नजर आ रहा होगा, जीरो से लेके वन तक वन सेंटीमीटर। तो 20 न्यूटन को मैं कह देता हूं कि वो कितनी लेंथ के बराबर है, फर्ज कीजिए 1 सेंटीमीटर। तो 80 न्यूटन कितने सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं 4 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन खींचूं तो वो 80 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर देगी। या आप और भी तरीके से कर सकते थे, आप 10 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 80 न्यूटन किसके बराबर आता, 8 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता। ठीक है, इस तरह से कर सकते थे, 10 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता। तो ये आपकी चॉइस है, 80 आना था, 8 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन खींच लेते, तो ये चॉइस है, 8 सेंटीमीटर भी ज्यादा हो जाता, इसलिए मैंने 20 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के बराबर रखा। 20 24 80 और 4 सेंटीमीटर की लेंथ खींचूंगा, लाइन खींचूंगा, और वो लाइन, तीसरा स्टेप भी यही है कि लाइन खींच दीजिए। लाइन का एक सिरा यहां पे रखना है और दूसरा सिरा ये है, आपके पास 4 सेंटीमीटर, दैट इज 4 सेंटीमीटर या 80 न्यूटन लेंथ की लाइन। यहां पे इसकी ये लाइन खींचती है। आखिरी स्टेप क्या है कि लाइन का एक सिरा, पिछला सिरा टेल उसकी और दूसरा सिरा उसके हेड। लाइन का नाम क्या है, ये टेल वाली साइड ओ और हेड वाली साइड ए। ये है आपके पास चौथा स्टेप, जिसमें आपने उसे नेमिंग कर दी, नाम दे दिए, नाम दे दिया कि ये जो आपके पास 80 न्यूटन फोर्स आई है, दैट इज अ फोर्स, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ओ इसका बिगिनिंग है, ए इसकी एंडिंग है, ये है जी फोर्स नॉर्थ टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मैंने फोर्स ड्रॉ कर दी, ऐसी होगी। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की निशानी है कि उसके पास डायरेक्शन होती है, एक तरफ उसकी टेल होती है, दूसरी तरफ उसका हेड होता है। सबसे पहले मुझे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए था, या मुझे लाइंस चाहिए थी जहां से मैं बिगिन करता, जहां मैं खत्म करता, वो मैंने बनाया नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। फिर उसके बाद मैंने लाइन खींची और लाइन के लिए मैंने स्केल सिलेक्ट किया, उतने बराबर लेंथ मैंने खींची, ये रही आपके पास 80 न्यूटन फोर्स किस तरफ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। अच्छा तो बच्चों बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल की जाने, ये रही एग्जांपल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के सामने। लिखता है अ स्प्रिंटर कंप्लीट्स इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड्स, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। स्प्रिंटर क्या है बच्चों? अ फास्ट रनिंग एथलीट जो है, एक ऐसा एथलीट जो तेजी से दौड़ लगाता है, उसे स्प्रिंटर कहा जाता है। वो खातून भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, उस एथलीट को स्प्रिंटर कहते हैं जो फास्ट रनिंग दौड़ लगाता है तेजी से, छोटे ट्रैक पे दौड़ लगाने वाला, जैसे कि बहुत मशहूर है यूसेन बोल्ट, जिसका अलबन 9 सेकंड के अंदर 100 मीटर रेस कंप्लीट की हुई है, दुनिया का फास्टेस्ट आदमी है 100 मीटर रेस में। तो मुख्तलिफ मीटर्स की रेसेस होती हैं, तो एक स्प्रिंटर है जिसने 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो 12 सेकंड में कंप्लीट किया। इसका मतलब जो गिवन डेटा है बच्चों, गिवन डेटा के अंदर देखिए हमें क्या दिया है, गिवन डेटा में कहता है डिस्टेंस कवर्ड जो है, डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 100 मीटर, टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 100 मीटर। मैं लिख देता हूं डिस्टेंस कवर्ड को, डिस्टेंस को एस के साथ जाहिर किया जाता है, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। और इस दौरान टाइम कितना लगा उसको कवर करने में, टाइम बच्चों कितना लगा, टाइम टोटल टाइम टेकन या टाइम टेकन बच्चों, दैट इज 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंदर उसने 100 मीटर का फासला कवर कर लिया है। डायग्राम बनाना चाहूं तो इस तरह से देख लीजिए, ये दौड़ लगाने वाला इसने यहां से यहां तक गालबन 12 सेकंड के अंदर पहुंचा और ये फासला था 100 मीटर जी। तो मालूम क्या करना है, एवरेज स्पीड, यहां से यहां जाते हुए इसकी एवरेज स्पीड क्या रही वो हमें मालूम करनी है। तो हमें मालूम करना है टू फाइंड एवरेज स्पीड, और आप जानते हैं स्पीड के लिए सिंबल वी ही यूज होता है, स्मॉल वी, एवरेज मालूम करना है।
अब बच्चों फार्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड दिस एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड फाइंड कैसे करें, फार्मूला उसके लिए क्या है, एवरेज स्पीड का या सिंपल स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, यही था डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, टाइम के लिहाज से जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपकी स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर टोटल टाइम टेकन, जितना टाइम लगा होगा। अब जो सोल्यूशन करना है तो हमने क्या करना है, एक एक स्टेप बच्चों आपने करना है ताकि सिंगल नंबर भी आपका ना कट सके, इस तरह से आपने हेडिंग बनानी है साथ में, ये निशानदेही करते जाना आपने ताकि उसे पता हो कि ईच एंड एवरीथिंग पता है इस न्यूमेरिकल के अंदर। तो लाइए सोल्यूशन के अंदर मैं फार्मूला लिखूंगा, वी एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड किसके बराबर, एस के टाइम टेकन टी के। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर, बाय पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज पुट करेंगे तो मैं यहां कर देता हूं, जगह कम है तो आप बिल्कुल नीचे ही करेंगे जैसे जा रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड की जगह क्या पुट कर दोगे 100 और टाइम की जगह 12, कटिंग करके एवरेज स्पीड का आंसर आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड, और रिजल्ट लिखते हैं नीचे कि ड्यूरिंग 12 सेकंड 100 मीटर का फासा कवर करते हुए उस स्प्रिंटर की हर सेकंड कितना फासा कवर करता रहा, 8.33 मीटर हर सेकंड, 8.33 मीटर पर सेकंड, ये है एवरेज स्पीड उसकी। ये थी दूसरी एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। अच्छा तो बच्चों देखिए तीसरी एग्जांपल, इंतहाई अहम एग्जांपल है जिसमें दो चीजें डिमांड की हैं, स्पीड और वेलोसिटी। मैंने टाइम बचाने के लिए डेटा पहले लिख लिया है लेकिन ये रहा स्क्रीन के सामने एग्जांपल प्रॉब्लम। लिखता है जी, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट्स हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। एक साइकिल सवार, साइक्लिस्ट जो ट्रैकिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं मुख्तलिफ ट्रैक्स पे, वो एक हाफ राउंड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का आधा चक्कर कंप्लीट करता है। कोई ऐसा ट्रैक था, वो ट्रैक किस तरह का था, सर्कल की तरह का था लेकिन हाफ सर्कल था। वो उस सर्कल का रेडियस कितना था, हाफ सर्कल उसने कवर किया जबकि उस सर्कल का रेडियस कितना था, 318 मीटर। तो गिवन डेटा में उसने कहा हाफ राउंड ऑफ ए सर्कल, सर्कल पूरा नहीं उसने कवर किया, यहां से चला हाफ सर्कल कवर करके ए से बी पे पहुंच गया, ट्रैक कुछ ऐसा था कि सर्कल की तरह था, हाफ सर्कल था। रेडियस ऑफ अ सर्कल, इस सर्कल का रेडियस हम जानते हैं कि रेडियस की तारीफ है कि सेंटर ऑफ द सर्कल टू वन एंड ऑफ एंड, उस लाइन तक फासला उसका रेडियस कहलाता है। तो रेडियस कितना दिया है, 318 मीटर, ये रहा रेडियस, रेडियस 318 मीटर यहां से लेके यहां तक फासला, ये फासला होता है रेडियस। और इस दौरान टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में, 1.5 मिनट्स। हम जानते हैं कि मिनट्स को सबसे पहले हमें किसमें कन्वर्ट करना है, सेकंड्स के अंदर, पहले चैप्टर में भी हमने किया है। तो टाइम को हम किसमें कर लेंगे, हर मिनट के अंदर कितने सेकंड है, 60, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ जाता है बच्चों, 90 सेकंड, 90 सेकंड है, 90 सेकंड के अंदर उन्होंने हाफ सर्कल कवर किया, कितने रेडियस का सर्कल था, 318 मीटर। दो सवाल है उसके, सबसे पहला सवाल स्पीड बताइए और दूसरा सवाल वेलोसिटी बताइए। हम स्पीड और वेलोसिटी के मुतालिक इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बच्चों, स्पीड जो है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी जितना डिस्टेंस कवर करे उसे स्पीड कहते हैं, जबकि वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। स्पीड की तारीफ के अंदर डिस्टेंस आती है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जबकि वेलोसिटी की डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट आता है और टाइम आता है, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है जबकि डिस्प्लेसमेंट कर्व भी हो सकता है, कर्व होता है स्टेट भी हो सकता है अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो। तो चलिए बच्चों स्पीड मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, डिस्टेंस और टाइम, वेलोसिटी मालूम करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम। टाइम तो है, ये देखिए गिवन है टाइम, यहां किस चीज की कमी है स्पीड मालूम करने के लिए डिस्टेंस की, और यहां किस चीज की कमी है डिस्प्लेसमेंट की। चलिए पहले मालूम करते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकलेगी, डिस्टेंस इस तस्वीर में है क्या, पहले बच्चे बताइए जरा, स्टूडेंट्स बताइए डिस्टेंस कौन सी है। ये फासला जो ए से वो बी की तरफ जाएगा दैट इज डिस्टेंस, कर्व्ड पाथ में, कर्व्ड पाथ में जो वो फासला कवर करेगा दैट इज डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द पाथ, ये पूरे लेंथ पाथ की लेंथ जो है दैट इज डिस्टेंस। अब मुझे बताइए ये जो ए से बी तक हमें नजर आ रहा है ये तो हाफ सर्कल नहीं,
और हाफ सर्कल जो है या पूरा सर्कल होता तो पूरे सर्कल का फासला क्या होता है, सर्कल पूरा कवर करता तो कितना फासला कवर होना था, वो डिस्टेंस होनी थी बच्चों सर्कमफेरेंस के बराबर। सर्कमफेरेंस पूरा सर्कल चक्कर करें उसकी बाउंड्री पे तो वो सर्कमफेरेंस बनता है, जो मैथ में पढ़ते हैं बाहरी फासला पूरा उसकी लेंथ सर्कमफेरेंस है। लेकिन ये तो हाफ है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ए से बी है दैट इज हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस के आधी लेंथ है। पूरा चक्कर घूमते तो सर्कमफेरेंस था लेकिन ये तो आधा सर्कल है, इसका मतलब सर्कमफेरेंस को किससे डिवाइड कर दो, सर्कमफेरेंस को सर्कल के सर्कमफेरेंस को किससे डिवाइड कर दो, 2 के साथ, और सर्कल के सर्कमफेरेंस का क्या फार्मूला है, 2πr/2 कटा तो क्या आंसर आया पाई आर। ये है डिस्टेंस ए से लेके बी तक, कैसे निकालिए फिर से सुनिए, पूरा फासला अगर सर्कल में कोई कवर कर दे तो वो होता है सर्कमफेरेंस, लेकिन इसने तो आधा सर्कल कवर किया है ए से बी तक, इसका मतलब सर्कमफेरेंस का हाफ है तो सर्कमफेरेंस का हाफ है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr और नीचे क्या आ रहा है 2 से कटा तो जवाब आ गया पाई आर। अब बताइए क्या मेरे पास पाई की कीमत नहीं पता, मैथ के अंदर हम जानते हैं पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना है 318 मल्टीप्लाई किया तो 999 मीटर आ गया। ये रहा डिस्टेंस, ये रहा आपके पास डिस्टेंस जो उसने ए से बी तक कवर किया। अब मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बताइए यहां से लेके यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, शॉर्टेस्ट ये सीधी लाइन में, सीधी लाइन में जो कवर करेगा फासला साइकिल वाला, अगर वो सीधा चला जाता तो ये क्या होना था उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, क्या यहां से लेके यहां तक फासला नहीं पता जिसे रेडियस कहते हैं वो कितना है 318, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या है 318, तो ये कितना फिर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट फिर किसके बराबर हो गया, ये जगह कम है मैं यहां से सॉल्व करता हूं, मजीद आगे चल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा इस तस्वीर से, तस्वीर बनाएंगे ज्यादा क्लैरिटी होगी फिर समझ आएगी, एग्जाम्पल विदाउट पिक्चर भी दे सकता है फिगर के, आप खुद भी ड्राफ्ट बनानी पड़ेगी आपको। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्या, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में इतना फासला तो मुझे पता रेडियस होता है 318, तो डिस्प्लेसमेंट फिर किसके बराबर हुआ आर इंटू आर प्लस आर या आर प्लस आर कर लो, आर प्लस आर ए से लेके बी तक स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां तक फासला आर प्लस आर कितने हो गए 2r, और r की कीमत क्या है 318 मल्टीप्लाई कीजिए 636 मीटर, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट, ये रहा डिस्टेंस। अब हमें क्या मालूम करना है स्पीड, और दूसरी चीज क्या मालूम करनी है वेलोसिटी, ये रही स्पीड, स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम, ये कीमत दर्ज करिए डिस्टेंस की 999 ओवर टाइम, तो दोनों के लिए सेम है 90, ये आएगा 11.11 या 11.1 मीटर पर सेकंड। और इसी तरह से अगर मैं क्या मालूम करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, निकाल चुका हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम क्या रखूंगा 636/90 आंसर आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपके पास गालबन 7.07 मीटर पर सेकंड। तो आपके सामने है किसका आंसर बड़ा है, किसकी वैल्यू बड़ी है, ऑफ कोर्स स्पीड का आंसर बड़ा है क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस क्या कवर करनी पड़ती है ज्यादा, जबकि वेलोसिटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो वेलोसिटी का आंसर आपके पास छोटा है 7.07 जबकि स्पीड का आंसर 11.11 है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने है। फिर से बता देता हूं एक दफा, सिचुएशन ये थी कि आपके पास एक साइक्लिस्ट था जिसने हाफ सर्कल कवर किया ए से लेके बी तक, हाफ सर्कल में हम जानते हैं कि सेंटर से लेके ये फासला रेडियस होता है वो कितना है 318 मीटर, रेडियस 318 है तो ये भी 318 है, यहां से यहां इस एंड तक फासला तो टुल मिला के कितना हो गया 636 मीटर, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होना था डिस्टेंस, कर्व्ड पाथ, कर्व्ड पाथ डिस्टेंस होता है। लेकिन ये कैसे पता चले, ये तो आधा सर्कल है, मुझे पूरे सर्कल का पता है, पूरे सर्कल को कहते हैं सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन तो आधा था तो 2πr किससे डिवाइड कर दिया 2 से, पाई आर कीमत दर्ज की, ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया स्पीड, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया वेलोसिटी, ये है एग्जांपल नंबर 3। चौथी एग्जांपल बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो रेस्ट से आगाज करती है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स,
अगले 8 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड की बजाय, रेस्ट की बजाय वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। आइए देखते हैं गिवन डेटा। सबसे पहले स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट डायग्राम के साथ बनाता हूं। बच्चों एक कार है जो कि कहां से आगाज कर रही है, रेस्ट से आगाज कर रही है। रेस्ट से आगाज करने का मतलब उसकी इब्तदाई वेलोसिटी, रेस्ट का मतलब 0 है, 0 मीटर पर सेकंड है। कुछ वक्त के बाद, कुछ वक्त कितना टाइम कितना दिया, 8 सेकंड। 8 सेकंड के बाद गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आपने ड्राइव की या किसी ने चलाई और चलने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होके रेस्ट की बजाय, जीरो की बजाय कितनी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। उसका सवाल क्या है कि यहां से यहां पहुंचते तक, यहां से यहां पहुंचने तक टाइम 8 सेकंड लगा है, वेलोसिटी में चेंज आया है, तो बताइए एक्सेलरेशन कितना है। तो गिवन डेटा के अंदर आप बच्चों देखिए वेलोसिटी कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे रिटर्न नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके उसकी वर्डिंग से पता चल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब कि इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड थी, टाइम कितना लगा 8 सेकंड, वेलोसिटी चेंज होके कितनी होगी 20 मीटर पर सेकंड। तो कहता मेरे सवाल का जवाब दें कि सवाल का टू फाइंड एक्सेलरेशन बताइए कितना एक्सेलरेशन आया, कितनी वेलोसिटी में चेंज आया। वेलोसिटी में चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं आता, एक्सेलरेशन होता ही नहीं है। तो आइए एक्सेलरेशन मालूम करते हैं फार्मूला। एक्सेलरेशन की तारीफ हमने पढ़ी थी, क्या तारीफ थी एक्सेलरेशन की तारीफ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली को एक्सेलरेशन कहते हैं, vf माइनस vi ओवर t। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही हो वक्त के साथ तो एक्सेलरेशन होगा। आपके सामने है वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले कुछ और बाद में कुछ और, इस दौरान क्या लग रहा है टाइम, तो ऑफ कोर्स यहां एक्सेलरेशन है। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में डेटा पुट कर देंगे, vf माइनस vi ओवर t, vf की जगह बच्चों 20, फाइनल इनिशियल की जगह 0 और t की जगह 8, आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है इसका यहां से यहां पहुंचते हुए एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ये है इस कार का एक्सेलरेशन। ये था बच्चों चौथा एग्जाम्पल प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन के सामने जो आपने देखा। अब करते हैं बच्चों पांचवी एग्जाम्पल, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। फाइंड द रिटार्डेशन प्रोड्यूस व्हेन अ कार मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड स्लोस डाउन यूनिफॉर्मली टू 15 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। फाइंड द रिटार्डेशन, बच्चों याद रखिए रिटार्डेशन किसे कहते हैं, डिसेलरेशन को या नेगेटिव एक्सेलरेशन को। रिटार्डेशन मींस डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन में कमी, एक्सेलरेशन में कमी, या इसे क्या कहते हैं, डिसेलरेशन, रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ये हमें मालूम करना है, कब मालूम करना है, एक कार है जिसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से, मैं ड्रॉ करता हूं डायग्राम, देखिएगा कार है जिसकी वेलोसिटी क्या कर रही है जी 30 मीटर पर सेकंड से, पहले कितनी थी 30 मीटर पर सेकंड से स्लोस डाउन, स्लो होके कहां पे आ गई है 15 मीटर पर सेकंड यूनिफॉर्मली, बड़ी तरतीब से, कोई रैंडम नहीं है, कभी ब्रेक ज्यादा लगा दी कभी कम नहीं, एक तरतीब से जैसे हम गाड़ी रोकते हैं बड़े सुकून से। तो वेलोसिटी 30 से कहां पे आ गई 15 मीटर पर सेकंड पे, और इस दौरान वक्त लगा 5 सेकंड। तो उसका सवाल है कि रिटार्डेशन बताइए। हमें पहली चीज तो क्लियर होनी चाहिए कि जब भी बॉडीज की रफ्तार कम होती नजर आए, वेलोसिटीज कम होती नजर आए, तो उसे कहते हैं डीसेलरेशन। वेलोसिटीज का कम होना रिटार्डेशन होता है, और एक्सेलरेटर पे पांव रखे वेलोसिटी बढ़े तो उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। तो गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा बच्चों हमारे पास है, गिवन डेटा देखिए इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड से जारी थी, फिर ब्रेक लगाई और वेलोसिटी 15 पे आ गई स्लो डाउन होती हुई, और इस दौरान टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो कहता टू फाइंड, हमें मालूम करके दीजिए रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को भी एक्सेलरेशन से ए से ही जाहिर करते हैं, बस इसका आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि रिटार्डेशन इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो कैसे मालूम करेंगे, फार्मूला वही जो किसका है, एक्सेलरेशन का है, और वो क्या है, ए इज इक्वल टू
Vf माइनस Vi ओवर t। लाइए वैल्यूज इसके अंदर पुट करते हैं और आंसर आपके सामने होगा। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के अंदर A इज इक्वल टू Vf माइनस Vi ओवर t लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन वन। इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया। तो रिटार्डेशन किसके बराबर, Vf की जगह बच्चों 15, Vi की जगह 30 और टाइम है 5। अब मुझे बताइए 15 बड़ा है या 30? 30 बड़ा है और नेगेटिव साइन किसके साथ है, 30 के साथ। तो क्या करेंगे, माइनस 30 प्लस 15, तो क्या आएगा माइनस 15 ओवर 5, कटिंग करके आंसर आएगा माइनस 3 और यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस का आना साबित करता है दैट इज रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन, और तीसरा नाम इसका डिसेलरेशन है, वेलोसिटी कम हो रही है, स्लोज डाउन यूनिफॉर्मली 30 से 15 पे पहुंच रही है, कितनी देर में, 5 सेकंड में। ये है एग्जांपल नंबर 5 बच्चों। तो गौर से देखिए, वेलोसिटी यहां से यहां पे पहुंच गई, टाइम इतना लगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला Vf माइनस Vi, Vf कितनी है 15, इनिशियल कितनी थी 30, पुट किया तो ये रिजल्ट आ गया। तो बच्चों देखिए छठी एग्जांपल प्रॉब्लम, ये रही आपकी स्क्रीन के सामने। ये आपको दिया गया ग्राफ, कहता है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये ग्राफ किसके लिए है, अ मूविंग कार, और एक कार मूव कर रही है, कार मूव करते हुए ऐसा उसने ग्राफ बनाया। ग्राफ दो चीजों के माबेन है, डिस्टेंस और टाइम। आप देख सकते हैं बच्चों इधर डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। टाइम क्योंकि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे एक्स एक्सिस पे ही रखा जाता है और डिस्टेंस डिपेंडेंट है तो उसे वाई एक्सिस पे रखा गया। डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ दरमियान ग्राफ है। टाइम जो है 2, 4, 6, 8, 10 सेकंड इस तरह के इसके दरमियान इंटरवल्स हैं और डिस्टेंस 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। चार सवालों के जवाब देने हैं। सबसे पहला डिस्टेंस कार है ट्रेवल्ड, बताइए कार ने टोटल कितना फासला कवर किया है। दूसरा सवाल द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में कितनी स्पीड रही कार की। तीसरा सवाल एवरेज स्पीड ऑफ द कार, कार की एवरेज स्पीड क्या है। और चौथा पूरे फासले के दौरान, और चौथा स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड क्या थी, इसके बाद वो रुक गई। तो बच्चों पहले सवाल की बात कर लेते हैं, जरा देखिए डिस्टेंस कार हैज ट्रेवल्ड। इस ग्राफ में देखिए डिस्टेंस कहां से हमें मिल रही है, वाई एक्सिस से। तो जरा देखिए मैक्सिमम वैल्यू अलोंग वाई एक्सिस, वाई पे मैक्सिमम वैल्यू में कितनी नजर आ रही है 40, और जरा देखिए जब मैंने इसे यहां मिलाया क्या 40 के बाद ये लाइन ऊपर जा रही है, इंक्रीजिंग है वेलोसिटी, नो स्ट्रेट लाइन हो गई है। इसका मतलब 40 के बाद फासला बढ़ नहीं रहा, ये स्ट्रेट लाइन का आना ऐसा ही है जैसे खुदा ना खासा किसी इंसान की डेथ हो जाए तो आप देखते हैं वो मशीन जो हॉस्पिटल में होती है उस पर कैसी लाइन आ जाती है, एक स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाती है। बिल्कुल इसका यही मतलब है कि 40 मीटर कवर करने के बाद इस सीधी लाइन में है कि यही स्टॉप हो गई है, वक्त गुजरता जा रहा है लेकिन गाड़ी अपनी जगह चेंज, कार अपनी जगह चेंज नहीं कर रही। इसका मतलब पहले सवाल का सीधा सीधा जवाब है, और वो क्या है कि उसने टोटल टाइम के अंदर जो मैक्सिमम फासला कवर किया वो 40 मीटर है, 40 मीटर के बाद उसने फासला कवर किया ही। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर्ड की है दैट इज 40 मीटर, 40 मीटर है, इस ग्राफ से ही बताना है हमें। तो ग्राफ देगा हमें जब ये न्यूमेरिकल साफ करने को कहेगा। दूसरा सवाल द स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड, पहले 5 सेकंड में देखिए इस कार की रफ्तार कितनी थी। 5 सेकंड देखिए, ये है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 6 सेकंड, 4 और 6 सेकंड के दरमियान क्या होंगे 5 सेकंड। यहां से लाइन लेके मैं ऊपर मिला लेता हूं तो देख लेता हूं, यहां देखिए ये लाइन 5 सेकंड की, इस नुक्ते से टाइम 5 सेकंड और फासला कितना मिल गया 30 और 40 के दरमियान। बताइए 30 और 40 के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है 35, 30 और 40 के दरमियान 35 मीटर। इसका मतलब स्पीड ड्यूरिंग फर्स्ट 5 सेकंड, स्पीड कैसे पता चलेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर बच्चों टाइम। बताइए डिस्टेंस कितना है 5 सेकंड में, ना 30 है ना 40 है बल्कि कितना है, ग्राफ से पता चल रहा है 35 मीटर और टाइम कितना है उस दौरान 5 सेकंड। तो बताइए स्पीड कितनी आ गई 5.77 मीटर पर सेकंड। ये दूसरे सवाल का उसके जवाब। तीसरा सवाल एवरेज स्पीड ऑफ द कार,
पूरे सफर के दौरान उसकी स्पीड क्या है, पहले 5 सेकंड नहीं, आखिरी 5 सेकंड नहीं, पूरे सफर के दौरान, पूरा सफर कितना है जी, यहां तक आपको नजर आ रहा होगा, सफर के दौरान कुल फासला कितना है 40 मीटर, और कुल टाइम कितना है 10 सेकंड। पूरा ग्राफ अगर देखें तो टोटल टाइम 10 सेकंड नजर आ रहा है, टोटल फासला कितना नजर आ रहा है 40 मीटर। तो अगर मैं मालूम करूं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या आएगा, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड ओवर टोटल क्या आएगा, टाइम टेकन। तो बताइए क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस कितना 40 मीटर और टोटल टाइम 10 सेकंड, कटा तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। ये है उसके तीसरे सवाल का जवाब, कि पूरे इस ग्राफ में मुझे नजर आ रहा है कि उसकी एवरेज स्पीड पूरे फासले और पूरे वक्त के दौरान उसकी जो स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकंड। ये 3 सवालों के जवाब हो गए। लास्ट वन, स्पीड ड्यूरिंग द लास्ट 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड बताइए। आखिरी 5 सेकंड बच्चों देखिए, आखिरी 5 सेकंड मतलब पहले 5 सेकंड तो हो गए, आखिरी 5 सेकंड 6 से लेकर 10 तक, तो बताइए जरा आखिरी 5 सेकंड में उसकी रफ्तार पहले में कितनी थी 35, और आखिरी 5 सेकंड में कितनी होगी 35 से लेकर 40 तक। तो डिस्टेंस बताइए पहले उसने आखिरी 5 सेकंड में कितना कवर किया, 40 माइनस 35 कितना 5 मीटर, 40 माइनस 35 40 पे गया 35 से, तो कितना फासला कवर किया 5 मीटर, 5 मीटर और कितना वक्त लगा 5 सेकंड, आखिरी 5 सेकंड में सिर्फ 5 मीटर कवर किया, उसके बाद रेस्ट में आ गया, ये तो रेस्ट है, सिर्फ मजीद फासला कितना कवर किया 5 मीटर। इसका मतलब अगर स्पीड मालूम करूं इन लास्ट 5 सेकंड तो क्या आएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट 5 सेकंड्स बच्चों ओवर टाइम टेकन। तो बताइए आखिरी 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस 5 मीटर और 5 सेकंड कटा तो आंसर आ गया 1 मीटर पर सेकंड, बहुत स्लो होगी रफ्तार, 1 मीटर पर सेकंड आखिरी 5 सेकंड में उसकी स्पीड है। ये था बच्चों एग्जांपल नंबर 2.6। अब बढ़ते हैं 2.7 की जाने। अच्छा तो बच्चों 7th एग्जांपल इंतहाई आसान एग्जांपल, जिसमें फिर से ग्राफ दिया और हमसे कहता है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके दे। ये ग्राफ है बच्चों दो चीजों के दरमियान, स्पीड यानी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान है, और ग्राफ आपके सामने स्ट्रेट लाइन है, वैल्यूज 5, 10, 15, 20 सेकंड्स अलोंग एक्स एक्सिस और वाई पे 2, 4, 6 मीटर पर सेकंड वाई एक्सिस के अलोंग। तो बच्चों एक्सेलरेशन मालूम हमने करना है, एक्सेलरेशन हम जानते हैं कि इसकी तारीफ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो एक्सेलरेशन होता है। सो ग्राफ से हमें मालूम करना है, अब बताइए जरा वेलोसिटी इनिशियली कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी चेंज होगी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड कितनी देर में थी 5 सेकंड में थी, 4 मीटर पर सेकंड होने में कितनी देर लगी 10 सेकंड। तो आइए बढ़ते हैं सोल्यूशन की जाने, या फार्मूला लिखना है तो आप लिख सकते हैं, वो फार्मूला क्या होगा, फार्मूला इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। तो सोल्यूशन में हम जस्ट पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूं आपको, हम मुझे बताइए यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले वीएफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 4 भी है ना, तो 2 इनिशियल 4 फाइनल, इस दौरान टाइम कितना लगा 5 सेकंड से कितना हुआ 10 सेकंड, तो टाइम कितना लगा 10 सेकंड हुए कहां से 5 से, तो 10 माइनस 5 कितने लगे 5 सेकंड लगे, 5 से 10 सेकंड हुए तो कितना फर्क है दोनों में 5 सेकंड का। तो एक्सेलरेशन मालूम करना है, यहां कर देता हूं बच्चों, एक्सेलरेशन का फार्मूला है vf माइनस vi ओवर t, vf कितना है 4, vi कितना है 2 और टाइम कितना लगा 5 सेकंड, तो क्या आ गया 2/5, वैल्यूज दर्ज कीजिए 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन, जिसका ग्राफ ऐसा होगा जहां वैल्यूज ये एक्स एक्सिस पे हो और ये वाई एक्सिस पे हो, तो ये उसका एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है। इनिशियल वेलोसिटी दी थी, फाइनल दी थी, फाइनल माइनस इनिशियल किया, टाइम दिया था पहले कितना था बाद में, दोनों को फाइनल माइनस किया 5 सेकंड लगे, डिवाइड किया, एक्सेलरेशन आपके सामने आ गया। और एग्जांपल्स बच्चों जैसी भी हैं, ग्राफ वाली दूसरी तीसरी हम छोड़ नहीं सकते, कोई भी आ सकती है, तो आपने जरूर इन्हें रिमेम्बर करना है, याद करना है और इन्हें इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो बच्चों आज की वीडियो की आखिरी एग्जाम्पल जो हम सॉल्व करेंगे दैट इज
2.8, बाकी रिमेनिंग 7 जो एग्जाम्पल प्रॉब्लम है नेक्स्ट हमारी वीडियो में होंगे, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 होगा जिसमें रिमेनिंग 7 एग्जाम्पल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। लास्ट एग्जाम्पल में ग्राफ देता है स्पीड और टाइम के दरमियान ग्राफ, स्पीड अलोंग वाई एक्सिस, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस, टाइम के दरमियान कितने डिफरेंसेस है 5 सेकंड 10 15 20, और स्पीड 2 मीटर पर सेकंड 4 6, इस तरह से स्पीड वाई एक्सिस पे है। तो उसका सवाल है सी और डी के दरमियान क्या मालूम करके दीजिए एक्सेलरेशन। हम जानते हैं कि जब स्लोप नीचे की तरफ हो, जब ढलवान हो, जब बॉडी की रफ्तार कम हो रही हो, तब जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। तो ये हमसे डिसेलरेशन पूछा, इसका जवाब नेगेटिव आएगा। अब हम जानते हैं कि सी डी एक्सेलरेशन हमें मिलेगा स्लोप से, स्पीड टाइम ग्राफ के दरमियान जो स्लोप बनती है, पिछले एग्जाम्पल के अंदर भी ऐसे ही था, स्लोप जो है सी डी की, उसी समय क्या मिलेगा हमें डिसेलरेशन मिलेगा। स्लोप, ये स्लोप ढलवान, और स्लोप होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ये, और बेस क्या है हमारे पास ये। चलिए करते हैं फार्मूला क्या यूज होगा, मैं पहले लिख देता हूँ। फार्मूला है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। अब सोल्यूशन में आपको बताता हूँ, ए किसके बराबर है स्लोप ऑफ कर्व, कर्व की स्लोप के बराबर है दैट इज सी डी, सी डी, और ये सी डी किसके बराबर है बच्चों, सी डी किसके बराबर है आप खुद देख सकते हैं, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है फाइनल वेलोसिटी। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी हमें स्लोप से नजर आ रही है, ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल अब 4 है, और वेलोसिटी कम होगी कितनी होगी, फाइनल कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, स्लो डाउन हो रही है 4 से 2 पे आ गई, और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 5 to 10 सेकंड। बच्चों 5 से लेकर 10 सेकंड के दरमियान कितना फर्क होता है, 10 - 5 = 5 सेकंड का टाइम लगा इस अमल के दौरान। तो मैं इधर लिखता हूँ, ये नीचे करेंगे बिल्कुल ऐसे ही, मैं जगह कम होने की वजह से सर्व कर रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन दैट इज सी डी, स्लोप ऑफ सी डी के बराबर है, स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ सी डी, तो बताइए किसके बराबर आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। पुट कीजिए वी एफ की जगह बचो 2, वी आई की जगह 4 और टी की जगह 5, माइनस 2 - 4, 4 के साथ माइनस का साइन है, कीमत बड़ी है, साइन बड़ा है, -2/5, और डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 0.4 m/s² एक्सेलरेशन। नेगेटिव आना साबित करता है कि स्पीड स्लो डाउन हो रही है, एंड दैट इज रिटार्डेशन, डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये थे बच्चों 8 एग्जाम्पल प्रॉब्लम जिन्हें आपने अच्छे से करना है।